सो गाइस वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मतलब वाइट स्टूडियो में कैसे आपका जो थंबनेल है वो सेट नहीं हो रहा है, मतलब सिलेक्ट होने के बाद सेव नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो को जरूर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये देख लीजिए, इधर पर ये मेरा एक थंबनेल आ गया, तो मैं इसको अभी चेंज करने की एक बार सोचता हूँ। देख लीजिए, मैं पेन पर क्लिक किया, फिर ये जो ऊपर में देख लीजिए मेरा टैग सब रेडी है। तो मैं इधर पर एक मतलब इसका थंबनेल चेंज करने के बाद सेव करना जो चाहूँगा वो सेव नहीं होता। ये देख लीजिए, मैं एक नया थंबनेल सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इधर से मैं दूसरा वाला कोई ये वाला सिलेक्ट करता हूँ इधर से। तो ये मैंने इधर पे देख लीजिए सिलेक्ट कर देता हूँ, ऊपर में जो सिलेक्ट है इधर पे क्लिक करके मतलब सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। करने के बाद आप देखिएगा ये जो ऊपर में सेव है, इधर पर मैं जितना बार क्लिक करूँगा वो सेव नहीं होगा। ये प्रॉब्लम बहुत सारा लोगों को हो रहा है, मेरे फ्रेंड्स को, मेरे मतलब जितने भी मेरा फ्रेंड्स है सबको हो रहा है। उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर पूछा है और कमेंट में भी बताया है। तो ये देख लीजिए सेव नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम सबको हो रहा है यूट्यूब पर, सबका ये यूट्यूब स्टूडियो पर हो रहा है। तो इसका कैसे सोल्यूशन करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इधर से निकल जाना है, ठीक है। फिर आपको अपना प्ले स्टोर पर जाना है, आप एंड तक ज़रूर बिना स्किप करे देखते रहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। फिर प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको इधर पर वाइट स्टूडियो सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद इधर पे अपडेट लिखा आएगा, उस अपडेट पे आपको करना है क्लिक और इसको अपडेट होने देना है। ये नया अपडेट हो जाएगा, ये 4 MB के आसपास कुछ ऐसा है, अपडेट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए बहुत जल्दी अपडेट हो रहा है। तो ये दोस्तों ये अपडेट हो चुका है, तो अभी ये इंस्टॉल होगा, ठीक है। एंड तक ज़रूर देखते रहिए, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको भी फिर से प्रॉब्लम आ जाएगा। कुछ ज़्यादा लंबा नहीं है वीडियो, बस 4 मिनट का वीडियो बनने वाला है। तो ये देख लीजिए बस इंस्टॉल होने वाला है। सो गाइस ये इंस्टॉल हो चुका है। तो मुझे अभी इधर से बैक होना जाना है, फिर अपना वाइट स्टूडियो को करना है ओपन। तो ये देख लीजिए मैंने कर दिया इसको ओपन, ठीक है। ये बस ओपन हो रहा है, ठीक है, ये हो गया ओपन। फिर मैं उसी वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ, इस वीडियो को मैंने कर दिया सिलेक्ट। इस वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद इस पेन पर करता हूँ क्लिक, फिर एडिट थंबनेल पे करता हूँ क्लिक और इधर से एक थंबनेल एडिट करता हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला करना चाहता हूँ सिलेक्ट, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और इसको सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी जो सेव है ये इधर पे सेव नहीं होगा। तो अभी आपको मेन प्रॉब्लम इधर पे ही आपका ट्रिक्स है, सबसे बड़ा ट्रिक्स इधर पे ही है। तो इधर पे आपको करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पे। तो चलिए हम आपको बता दें, ये जो टाइटल है इसमें आपको करना है क्लिक और टाइटल में कुछ नया एक वर्ड लिख देना है, कुछ भी। तो मैं ये लास्ट में ये दो ऑप्शन है मतलब लाइन जो है उसको ऐड कर लेता हूँ। फिर आपका जो सेव का ऑप्शन है ये देख लीजिए पूरा हाईलाइट हो जाएगा, ये देख लीजिए पूरा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसमें आप अगर क्लिक करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए मेरा ये सेव हो जाएगा, बस ये सिंपल सा ट्रिक से ये देख लीजिए पूरा सेव हो गया। तो सब लोगों को ये बहुत परेशानी हो रहा है, तो मैंने सोचा मुझको तो आ रहा है तो मैं सबको भी बता दूँ। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया है इसलिए, तो मैं दूसरा एक बार सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए मैं एडिट थंबनेल पे क्लिक करता हूँ, इधर से थंबनेल लेता हूँ और मेरा पहला वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, इधर से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी ये भी देख लीजिए सेव हाईलाइट नहीं हुआ है, जितना भी क्लिक करो मेरा ये सेव नहीं होगा, ठीक है, सेव नहीं हो रहा है ना। तो आपको सिंपली से अपना टाइटल पर करना है क्लिक, इधर से एक डिलीट करके फिर वही वर्ड लिख देना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। और इधर पे आप देख लीजिए आपका ये सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करूँगा आपकी वीडियो से बहुत सारा नॉलेज आप लोगों को मिला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी हमें एक वीडियो देखने के लिए पास में जो बेल आइकन आएगा उसमें भी जरूर क्लिक कीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।